नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल म्यूजिक डायरेक्टर अनंत मौर्य में। आज मैं वेव का एक ऐसा इक्वलाइजर बताने वाला हूं जिसका नाम है Q10, जो कि वेव का ये बेस्ट इक्वलाइजर माना जाता है। तो इसके बारे में आज मैं बताऊंगा, इसका पूरा फुल में सेटिंग इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इसको यूज किया जाता है और कहाँ पर यूज किया जाता है और किस वोकल में कब यूज किया जाता है। तो चलते हैं अपने डेस्कटॉप की तरफ। उससे पहले, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबा दें कि ये सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलते हैं अपने डेस्कटॉप की तरफ, देखते हैं उसका पूरा फुल सेटिंग। यहाँ पर देखिए, मैं एक प्रोजेक्ट ले लिया हूँ जिसमें कुछ मैं इफेक्ट लगा रखा हूँ। ये देखिए, ये इफेक्ट लगा रखा हूँ मैं, जिसमें है ऑटो ट्यून और डिले और ये है कंप्रेसर। तीन गो चीज में लगा रखा हूँ और इसमें Q10 जो इक्वलाइजर है उसको मैं यूज करता हूँ, जो कि वेव का बेहतरीन माना जाता है इक्वलाइजर। ये देखिए, यहाँ पर देखिए दो दिया है, Q10 मोनो, Q10 स्टेरियो। तो ये मोनो और स्टेरियो का मतलब क्या हो गया, आपको मैं बता देता हूँ कि मोनो और स्टेरियो का मतलब क्या हो गया। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मोनो। अब मैं यहीं से एक और ना प्रोजेक्ट बनाता हूँ, यहाँ पर स्टेरियो में करता हूँ। स्टेरियो लिखा है यहाँ पर और यहाँ पर देखिए मोनो लिखा है। तो स्टेरियो जो है, और जो इफेक्ट इसमें मैं दिखाया हूँ, इसमें जो इक्वलाइजर है, चाहे इसमें देखिए बहुत सारा है। देखिए, ये मोनो हो गया, ये स्टेरियो हो गया, ये मोनो हो गया, ये स्टेरियो हो गया। और इसमें नहीं दिया है, इसमें मोनो दिया है, इसमें स्टेरियो दिया है, इसमें मोनो दिया है, इसमें स्टेरियो दिया है, इसमें बहुत सारे जितने हैं मोनो भी स्टेरियो दिया है। तो मोनो का जो ऑडियो ट्रैक लीजिएगा तो उसमें मोनो लगाइएगा कभी भी, और स्टेरियो का ऑडियो ट्रैक लीजिएगा, जो कि ये वाला लिया हूं मैं, ये वाला जो बताया हूं लिया हूं, और ये वाला लेते हैं स्टेरियो, तो स्टेरियो लगेगा। और इसमें मोनो अगर लिया हो तो मोनो में अगर लगाना है तो कभी भी याद रखिएगा कि मोनो ही यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए, मैं मोनो यूज करता हूँ और ये देखिए इसका मतलब कि ये फीचर्स है ये EQ10 का। और इसमें देखिए लोड लिखा हुआ है, लोड पे जाइएगा और ये वाला है जो मास्टर 10 बैंड मास्टर EQ, इस पर क्लिक कीजिएगा, ये मतलब कि टोटल मतलब कि खुल गया। अब इसमें अपने तरीका से, ये नहीं है कि ना आपको यहाँ पर ये कर दिए हैं, लोड पे गए और ये वाला कर दिए तो प्रीसेट सेट हो गया, ये प्रीसेट नहीं, ये टोटल खुल गया, यहाँ से खुल गया है। आप यहाँ से किसी को भी ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, तो वोकल के अनुसार कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ जो स्टूडियो में बनाया हूँ। देखिए, वैसे मैं एक बार मैं सुना देता हूँ इस तरीका से, जो कि बिना इक्वलाइजर का। ये बाबू दे दे ना मरिया, आए बना नीचे तो हर बुझता निबा। इस तरीका से आप देखे, इक्वलाइजर में लगाता हूँ, इक्वलाइजर में थोड़ा सा बेस देना है मुझको तो इधर से दूंगा मैं बेस, ये दो नंबर और एक नंबर, ये एक नंबर को ऊपर में किया। काहे तू लड़ावे ला नजरिया, ये बाबू दे दे ना मरिया। ये भी देखिए, ये बेस का है। काहे तू लड़ावे ला नजरिया, ये बाबू दे दे ना मरिया, आए बना नीचे तो हर बुझता नहीं। अब इसमें शार्पनेस देना है तो इधर से दे सकते हैं आप, ऊपर कर सकते हैं तो शार्पनेस आएगा, मतलब कि जो कि चिंचनाहट जिसमें मिड बोला जाता है और बेस ज्यादा है तब। काहे तू लड़ावे ला नजरिया, ये बाबू दे दे ना मरिया। और सॉफ्ट करना है वोकल तो नीचे आप कर दिए, इसको नीचे कीजिए। काहे तू लड़ावे ला नजरिया, ये बाबू दे दे ना मरिया, आए बना नीचे तो हर बुझता। काहे तू लड़ावे ला नजरिया, ये बाबू दे। ये कब किया जाता है, अगर वोकल में देखिए बेस है, अगर आपके वोकल में कहीं भी बेस है तो इसको ऊपर कीजिए और इसको नीचे कीजिए, ठीक। अब आपको और बेस देना है वोकल में तो बेस इसको ऊपर कीजिए और इसको नीचे कीजिए, ये वाला जो है इसको छेड़छाड़ मत कीजिए। और बेस है वोकल में अगर, तो आपको बेस काटना है तो इसको छेड़छाड़ मत कीजिए, इसको आप छेड़छाड़ कीजिए इधर से, ठीक, और यहाँ से इस तरीका से कीजिए। और ये जो चीज है इसको छेड़छाड़
करिए चाहे मत करिए, कर कर वैसे देख सकते हैं जो कि आपकी इच्छा, लेकिन इसको उतना यूज नहीं किया जाता है जितना ये दो लास्ट में 9 और 10 और शुरू में 1 और 2। 1 और 2 हो गया बेस के लिए हो गया, और 9 और 10 हो गया जो मिड के लिए हो गया, जो कि शार्पनेस के लिए हो गया। आपके वोकल में शार्पनेस नहीं है, बेस है, तो बेस को काट कर यहाँ से देखिए, बेस नीचे कीजिएगा तो बेस कटेगा आपके वोकल में का, देखिए। ठीक, नीचे करने पे कट रहा है, और बेस अगर ज्यादा है आपके वोकल में तो ही काटिए। किसी किसी सिंगर में ना बेस नहीं होता है, तो बेस लाया जाता है तो इसको ऊपर किया जाता है और इसको नीचे किया जाता है हल्का सा, अपने मतलब कि मिला लीजिएगा, 4 ही नॉब्स है, इसी को मिलाना है। तो इसी तरीका से इसका सेटिंग है और ये इसी तरीका से काम करता है और भी बेहतर। देखिए अभी जो मैं किया हूँ वोकल, ये परफेक्ट हो गया है, जो मुझे सुनाई दे रहा है। आपको थोड़ा सा नहीं सुनाई दे रहा होगा, बढ़िया से ढंग से नहीं सुनाई दे रहा होगा, तो आप उतना भी केयर मत कीजिएगा। इसको आप सुनना होगा तो आनंद लाइव रिकॉर्ड पे जाकर सुनिएगा, उसमें मतलब कि सासाराम का रंगदार इस तरीका से कुछ है गाने का नाम टाइटल, तो उस गाने को आप सुन सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में इस सॉन्ग का लिंक मैं दे दूंगा, आप जरूर सुन लीजिएगा एक बार कैसा मिक्स हुआ है ये देखिए। बहुत ही बढ़िया मतलब कि इक्वलाइजर है। अब देखिए इसी को मैं बंद कर देता हूँ तो कैसा बजेगा। अब इसको मैं ऑन करता हूँ, एक होता है ना कि बांध कर बज रहा है अंदर से, उस तरीका से इसका साउंड अब आ रहा है। यही सेटिंग है इस मतलब कि इक्वलाइजर 10 का, मतलब कि इक्वलाइजर ही है ये, इक्यू जो कि लिखा है Q10, तो इक्वलाइजर है ये, तो इसी तरीका से इसको यूज किया जाता है। ये इक्वलाइजर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर बताइएगा, क्योंकि आप कमेंट करते हैं या लाइक करते हैं तो हम लोग को उत्साह बढ़ता है कि हाँ भाई हम लोग का वीडियो कोई देख रहा है तो लाइक कम से कम कर रहा है और कमेंट कर रहा है, और कोई कोई होता है कमेंट नहीं करता है, वीडियो देखकर चला जाता है, तो ऐसा ना करें, कमेंट कम से कम, कमेंट भी नहीं कर रहे हैं तो लाइक तो भाई कर दिया, कि बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो एक लाइक करने से आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके का वीडियो हरदम आपके बीच लाता रहता हूँ। तो चलते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।